अपनी मस्ती के लिए फेमस है। ड्रेसिंग रूम में हमेशा ऐसी मस्ती चलते रहती है। ऐसी एक मस्ती हुई कोहली के साथ। किसी ने कोहली का बैट चुरा लिया ड्रेसिंग रूम से, और मजे की बात उसने रूम में जगह जगह हिंट्स छोड़ दिए। कोहली रूम को ध्यान से देखता है, बट हिंट्स देख के उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो इस केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। इस केस के पीछे मेहुल को तीन लोगों पर डाउट आता है, रोहित, धोनी और धवन। डिटेक्टिव मेहुल को तीन हिंट्स मिलते हैं, एक शू, एक ग्लव और एक स्लीपर। मेहुल आता है और सारे हिंट्स को ध्यान से देखता है और तुरंत चोर को पकड़ लेता है। कैसे मेहुल को कैसे समझा चोर कौन है? क्या आप इन हिंट्स को देख के बता सकते हैं चोर कौन है? आंसर देखने से पहले जरूर कमेंट कीजिए आप क्या सोच रहे हैं। हिंट्स को ध्यान से देखिए। शू लेफ्ट पैर का शू रखा हुआ है। स्लीपर, ये भी लेफ्ट लेग की स्लीपर रखी हुई है। ग्लव्स भी लेफ्ट हैंड का रखा हुआ है। यह तीनों चीजें यह बताती है कि चोरी किसी लेफ्टी ने की है, क्योंकि हर चीजें लेफ्ट साइड की छोड़ी हुई थी। और ये तीनों में लेफ्टी है धवन। ये मजाक कोहली के साथ धवन ने किया था। चलिए अब दूसरी पहेली देखते हैं। वापस किसी ने कोहली के साथ मजाक किया और कोहली का बैट छुपा दिया। कोहली गुस्से में आ गया। डिटेक्टिव मेहुल भी वहीं था। उसने वापस रोहित, धोनी और धवन को बुलाया और उनसे पूछताछ किया। रोहित, मैंने नहीं किया है। धोनी, मैंने नहीं किया है। धवन, धोनी ने किया है। अब हमें यह पता है तीनों में से बस एक ही जन सच बोल रहा है। तो बताइए कोहली का बैट किसने चुराया है और कौन सच बोल रहा है? आप समय के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ध्यान से सुनने के लिए आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। आंसर देखने से पहले जरूर कमेंट कीजिए आप क्या सोच रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमें यह पता है कि कोई एक सच बोल रहा है। अगर चोर धवन होता है तो रोहित और धोनी दोनों एक ही लाइन बोल रहे हैं, मैंने नहीं किया है। मतलब दोनों की बातें सच्ची हो जाएगी। मतलब धवन चोर नहीं है, क्योंकि कोई एक ही सिर्फ सच बोल रहा है। अगर धोनी चोर है तो अब धवन बोल रहा है धोनी चोर है। एक सच। लेकिन रोहित की बात भी सच हो जाएगी कि मैं चोर नहीं हूं। मतलब धोनी भी चोर नहीं है। मतलब चोर रोहित है और धोनी सच बोल रहा है, मैंने नहीं किया है। रोहित और धवन दोनों झूठ बोल रहे हैं। यहां थोड़ा पॉज कीजिए और आंसर को वापस समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब तीसरी पहेली देखते हैं। कोहली पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था। दो बार उसके साथ किसी ने मजाक किया था। कोहली फिर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से कोहली की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। कोहली की आवाज सुनके डिटेक्टिव मेहुल वहां आ गया। अब वापस किसने किया कोहली के साथ मजाक? धोनी, रोहित और धवन तीनों को वहां बुला लेते हैं। कोहली उसके साथ क्या हुआ पूरा किस्सा उनको बताता है कि जब मैं शेव कर रहा था किसी ने पीछे से मुझे मारा और भाग गया। मैं जब तक के पलट के देखता वो वहां से भाग गया था। जैसे ही डिटेक्टिव मेहुल ये सुनता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये किसने किया है। कैसे डिटेक्टिव को कैसे समझता है ये किसने किया? क्या आप बता सकते हैं? आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं क्लूज के लिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। रूम को ध्यान से देखिए। रूम में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, मतलब अगर कोई पीछे से आता तो वह कोहली को पहले ही दिख जाता, मतलब कोहली झूठ बोल रहा है।